सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो फास्ट न्यूज़ ते खबरां दी शुरुआत करांगे फटाफट अंदाज़ दे विच। अमरीका दे इलाइस राज विच पूर्वी स्टेट लुइस विखे एक कार नूं लगी भयानक अग विच पंज बच्चे सड़के सुआह हो गए। इन्हां बच्चों की उम्र 2 तों 9 साल के दरमियान दसी जा रही है। अग बुझाओ विभाग के मुखी जैसन ब्लैंकमन ने बच्चों की मौत की पुष्टि करदिया कहा कि अग बीते दिन ही तड़कसार 3 बजे 29वीं स्टेट स्ट्रीट विखे एक इमारत नूं लगी। उन्हें दसे कि अग बुझाओ अमला 3 बच्चों नूं बचाउण विच सफल रहा। 2 बच्चे कमरे के अंदर ही सड़के मर गए जबकि 2 बच्चे एंबुलेंस विच दम तोड़ गए। 5वां बच्चा हस्पताल जाते रस्ते विच ही दम तोड़ गया। अधिकारी ने दसा कि इस इमारत विच बहुत सारे परिवार रहिंदे ने परंतु मरे गए बच्चे एक ही परिवार के सन। अग लगन के कारणों की डूंघाई नाल जांच की जा रही है। अफगानिस्तान विच तालिबान मुड़ तो पैर पसार रहा है। अफगानिस्तान के पख्तिया प्रांत विच स्थित गुरद्वारा थाला साहिब के निशान साहिब नूं हटाउण दी भारत सरकार ने सख्त शब्दों विच निखेधी की है। इलाके के वसनीक चरण सिंह ने निशान साहिब नूं जबरी हटाउण दी पुष्टि की है। भारत सरकार ने इसलिए सख्त इतराज जताया है। पहला तालिबानी अतवादी गुरद्वारे के सेवादार नूं धमकियां देंदे रहे फिर निशान साहिब नूं जबरदस्ती हटा दिता गया। दस दईए कि पिछले कुछ दिनों तो अफगानिस्तान विच तालिबान की दहशत वधी है। इन्ना ही नहीं भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी का भी तालिबान ने बेरहमी नाल कतल कर दिता सी। तालिबान ने हालांकि दानिश सिद्दीकी की हत्या तो इनकार किया है। केंद्र सरकार के 3 वाद विवाद वाले खेतीबाड़ी कानूनों विरुद्ध जारी प्रदर्शनों दरमियान केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार इस मुद्दे के हल किसानों नाल गलबात लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि घट्टो घट समर्थन मुल यानी MSP नीति का खेतीबाड़ी कानूनों नाल कोई भी लेना देना नहीं है। राज्यसभा विच एक सवाल के लिखती जवाब विच तोमर ने कहा कि किसानों के प्रदर्शन खत्म कराने लिए सरकार ने सरगर्म ढंग नाल अते किसान यूनियन मिलकर लगातार काम किया। मुद्दे हल करने लिए किसानों नाल 11 दौर की गलबात भी चली पर गलबात किसी नेपरे नहीं चढ़ी। तोमर ने कहा कि किसान अपनी उपज सरकारी खरीद एजेंसियां MSP जां खेतीबाड़ी वस्ता मंडी कमेटी मंडिया च जां संविदा खेती राही जो भी उन्होंने लाहीबंद होवे वेचण लई आजाद ने। कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी और कई होर विरोधी नेतावान ने शुक्रवार को दोपहर जंतर मंतर पहुंच के 3 खेती कानूनों विरुद्ध अंदोलन कर रहे किसानों नाल एकजुटता प्रकट की ते इन कानूनों नूं रद्द करने की मांग की। दूजे पासे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विरोधी धिर दे इस कदम नूं मीडिया इवेंट करार देंदे हुए कहा कि जेकर विरोधी दल किसानों के मुद्दों नूं लैके ईमानदार होंदे तां संसद विच चर्चा करदे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस विषय से चर्चा लई तैयार है। किसान जथेबंदियों वालों आयोजित किसान संसद विच हिस्सा लेने तो बाद राहुल गांधी ने कहा कि विरोधी पार्टियां ने किसानों के प्रति अपना पूरा समर्थन जताया ते 3 खेती कानून रद्द करने ते जोर दिता है। टोक्यो ओलंपिक विच अदिति अशोक ने गोल्फ विच भारत दी सोनी दीयां उम्मीदां नूं जगा दिता है। अदिति ने लगातार 3जे दिन शानदार प्रदर्शन कर दिया इतिहासिक रिकॉर्ड वल कदम बधाए ने। भारतीय गोल्फर अदिति ने शुक्रवार नूं 3 अंडर 18 दा कार्ड खेडिया। वह दूजे स्थान ते कायम है। आखिरी अते चौथे गेड़ शनिवार नूं खेडे जाने ने पर मौसम विभाग मुताबिक शनिवार नूं तूफान आउण दी संभावना है। जेकर अजिहा हुंदा है तां सिर्फ 3जे गेड़ तक दे अंक ही गिने जाणगे ते अदिति दा मैडल पक्का कीता जा सकता है। बंबे हाई कोर्ट ने कारोबारी राज कुंद्रा ते उसके सहयोगी रियान थोरपे दी जमानत पटीशनां नूं खारिज कर दिता है। जिक्र खास है कि अश्लील समग्री के मामले विच राज कुंद्रा कानूनी पेच विच फसे हुए ने अते जेल विच बंद ने। पहाड़ी इलाकों में लगातार कई हादसे वापर चुके ने। इन हादसों में कई लोगों की जान भी चली गई है। अज सिरमौर के शिलाई में बोहराद खाद के कोल एक प्राइवेट बस NH 707 तो खिसक गई। हादसे के समय बस में 22 लोग सवार सन। आखिरी यात्री के बचाए जाने तक ड्राइवर वालों बस को कंट्रोल करने तो बाद उन्होंने सारियों को सुरक्षित बचा लिया गया। ड्राइवर को बाद में यात्रियों ने बचा लिया। फिलहाल कोई नुकसान होने की खबर नहीं है। हर रोज़ कितना कित सड़की हादसे वापरन दबर मिलदिया रहा ने। ज्यादातर हादसों का कारण तेज रफ्तार बनती है। तेलंगाना के सगरेडी जिले में कार और ट्रक विचाले जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी मुताबिक यह हादसा चोटकुर पिंड के नेे वापरया जो एक कार और ट्रक की आमो सामने टक्कर हो गई। पुलिस मुताबिक कार में सवार सारे 5 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के समस्तीपुर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दिहाड़े एक साबका मुखी का गोली मार के कतल कर दिया अते मौके तो फरार हो गए। घटना तो नाराज लोगों ने समस्तीपुर पटना मुजफ्फरनगर मुख रस्ता से आग लगा दी अते NH 28 घंटे लिए जाम कर दिता। भड़के लोगों ने कुछ दुकानों में भन तोड़ भी की। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
पेट्रोल डीजल दी कीमतां सिखरां ते ने। कई शहर विच पेट्रोल डीजल दी कीमतां 100 नूं पार कर गईआं ने। अगस्त दी पहली तरीक लई देश दीआं प्रमुख तेल कंपनियां ने पेट्रोल ते डीजल दी कीमतां जारी कर दित्तीआं ने। तेल कंपनियां ने 1 अगस्त नूं भी तेल कीमतां विच कोई बदलाव नहीं कीता है। दस दईए कि पिछले 20 दिनों तो पेट्रोल ते डीजल दी कीमत विच कोई बदलाव नहीं कीता गया है। अज लगातार 20 दिन हो गए ने जदों पेट्रोल ते डीजल उही कीमत ते मिल रहा है जो 20 दिन पहला सी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सूबे विच लोकां नूं वधिया सरकारी सेवावां देण दे इरादे नाल अगले 6 महीने अंदर 516 सेवा केंद्रां दे नाल 192 होर सेवावां नूं जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार सूबे विच 516 सेवा केंद्र स्थापित कर चुकी है। उन्होंने मुख सकत्तर नूं निर्देश दिए ने कि अगले 6 महीने अंदर 192 होर सेवावां जोड़ दित्तियां जाण तां जो लोकां नूं वख-वख सरकारी सेवावां लई सरकारी दफ्तरां दे चक्कर ना कटने पैण। उन्होंने कहा कि सेवा केंद्रां नाल सरकारी सेवावां नूं जोड़े जाण कारण समय की बचत हो रही है, नाल ही भ्रिष्टाचार से भी रोक लग रही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासनिक सुधारा दे काम जारी रखेगी। केंद्रीय खेती कानूनों का विरोध कर रहे किसानों वालों आयोजित किसान संसद में 3 विवादपूर्ण कानूनों को रद्द करने को लेकर शुक्रवार को सरकार विरोध बेभरोसगी मता लिया गया। संयुक्त किसान मोर्चे ने जानकारी दी है। SKM ने दसाया कि कुदरती आफतों दौरान किसानों की मदद करने में सरकार की असफलता, फ्यूल की कीमतों में वाधा, हाल ही में पेगासस जासूसी विवाद उन्होंने मुद्दों में शामिल सन जिन्होंने किसान संसद दौरान शुक्रवार को चर्चा की गई। खेती कानूनों के विरोध में 200 किसान हर दिन संसद को जंतर मंतर से इकट्ठे होते हैं, किसानों से संबंधित मुद्दों पर विचार वटांदरा करते हैं। साबका DGP सुमेर सैनी दीआं मुश्किलां घट होण दा नाम नहीं लै रहीआं ने। आमदन तो वध जायदाद बनाउण अते भ्रिष्टाचार मामले विच घिरे साबका DGP सुमेर सैनी दी अगाऊं जमानत दी अर्जी खारिज कर दित्ती गई है। अमृतसर च माननीय पुलिस कमिश्नर सुशांत सिंह गिल दे दिशा निर्देशों से लुटा खोहां की वारदातों को रोकने लिए चलाई गई मुहिम के तहत थाना रामबाग की पुलिस को उस वेले वड्डी सफलता मिली जदों पुलिस वालों लुटा खोहा करने वाले व्यक्ति को काबू कर लिया गया। पुलिस अधिकार ने दसाया कि एक महिला जो पट्टी की रहने वाली है अमृतसर शॉपिंग करने लिए आई सी, वह बस स्टैंड तो रिक्शे से जा रही थी कि एक नौजवान आया, उस कोलों मोबाइल फोन खो के फरार हो गया, जिससे उस महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस पार्टी वालों कार्रवाई करते हुए मुखबर की सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को काबू कर लिया गया। उस को पुछगिछ की गई तो उस को खो किया गया आईफोन बरामद होया। पुलिस वालों की गई सख्ती पुछगिछ में आरोपी ने मनिया कि उस वालों होर भी कई लुटा खूहों की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करके 3 दिन का रिमांड हासिल कर लिया। फिलहाल आरोपी को होर भी पुछगिछ जारी है। हलका डेरा बाबा नानक के पिंड गजू गाजी विच एक व्यक्ति की भेदभरे हालातों विच मौत हो गई। मृतक के परिवार का आरोप है कि उन्होंने परिवारक जी का कतल किया गया है। कतल करने पिछे उसके मालिक का ही हाथ है जिन्हें खेतों के घर में वह काम करता सी। उते ही घटना बीती रात की है। अज सवेरे पुलिस वालों मृतक की लाश को पोस्टमार्टम कराने लिए कब्जे में लैके कानूनी कार्रवाई आरंभ दी गई है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने वालों जांच की जा रही है, मृतक के परिवार के बयान लैके केस दर्ज किया जाएगा। कांग्रेसी विधायक मदन लाल जलालपुर के पांचे उत्ते 20 करोड़ के गबन के दोष लगे ने। कांग्रेसी विधायक का पांजा जसदेव सिंह फूड सप्लाई इंस्पैक्टर है ते उस कोल 8 गोदामों का चार्ज है। विजिलेंस की रेड दौरान कणक दियां 2 लाख बोरियां घट मिलियां ने। इंस्पैक्टर जसदेव रिकॉर्ड समेत गायब दसा जा रहा है। अमृतसर के जंडियाला गुरु केंद्र के फूड इंस्पैक्टर जसदेव सिंह वालों करीब 16 से 20 करोड़ की कणक खुर्दबुर्द करने के दोष लगे ने। फास्ट न्यूज खबरों के इस बुलेटिन च इन्ना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों की जानकारी बने रहो साडे नाल चंडीगढ़ टाइम TV। धन्यवाद।